एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं यूज़ करूँगी मेजर अरकाना। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और हम उसे क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। शुरू करते हैं, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज चल रही हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल। वी हैव द हाई प्रीस्टेस फर्स्ट कार्ड। सेकंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। Three more cards. We have death. टावर को आना था, उसने इतने सारे कार्ड्स गिरा के टावर आया है। एनर्जी इज़ वेरी हैवी, एनर्जी हैवी है गाइस। मैं देख लूँ सारे कार्ड्स सीधे रखे हैं ना मैंने, क्योंकि मेरे से ही गिर गए हैं सारे कार्ड्स। हाँ, सीधे हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। वी हैव द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। एनर्जी हैवी इसलिए है बिकॉज वी हैव डेथ एंड टावर बोथ टुगेदर विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्मिक एंडिंग्स बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, रीडिंग की शुरुआत हुई है हाई प्रेस्टेस से, जहाँ पे महाशक्ति एक डेविल का खात्मा करते हुए नज़र आ रही हैं। मतलब कि नेगेटिविटी एंड होते हुए नज़र आ रही है, और होप रखिए कि इसके बाद जो भी होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। एनर्जी में जो साइन है वो हैं स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस। ये साइन बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जैसा कि आप सभी को पता है, कल फुल मून है और फुल मून के पहले ये एनर्जी निकल कर आई है। मतलब कि एनर्जी हैवी रहेगी, हैवी इन द सेंस कि आपके लिए तो पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड पार्टी एंड हो रही है, लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जी है, जब ये सारी चीज़ों से गुजरेंगे तो उनकी एनर्जी ऑफ कोर्स डाउन रहेगी, या तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग एनर्जी हो सकती है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है एंजल्स? आपके पर्सन जो भी डिस्टेंस का कारण था उससे बाहर निकल जाएंगे ताकि एक नई शुरुआत हो सके। किसके साथ? आपके साथ। ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताना चाहता है? हाई प्रीस्टेस के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे लोगों की पर्सन की जो फैमिली है वो आप दोनों के बीच में आ रही है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा कान भरना, मैनिपुलेट करना। अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी, अनमैरिड कपल हैं तो भी, यहाँ पर बहुत लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आपके पर्सन उन मैनिपुलेशंस को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज हाई यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद डेथ है, तो आपके पर्सन इन मैनिपुलेशंस में नहीं आने वाले और अपने दिल की सुनने वाले हैं, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेने वाले हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है? एक बात और बता दूं, मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमेंट में नंबर है कि कहाँ नंबर है, और कुछ मेरे व्यूवर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम अपना नंबर एक बार वीडियो में ही बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी नंबर कमेंट में नहीं देती हूँ, और मेरा नंबर हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में आता है, ज़्यादातर मंडे की रीडिंग में आता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो फ्लूट के साथ नंबर आता है वो मेरा नंबर है। उसके अलावा अगर आपने कहीं से भी कोई नंबर लिया है, चाहे कमेंट से चाहे कहीं से भी,
उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे डिस्क्लेमर में हमेशा, आजकल तो मैं वीडियो में भी नोटिस लगा देती हूँ, तो मैं सैटरडे संडे बुकिंग्स नहीं लेती हूँ गाइस, मंडे को नंबर आएगा, सब्र रखिए। तो कहाँ पे थे हम लोग, डेथ को क्लैरिफाई करना है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ का कार्ड क्या बताना चाहता है। डेथ को क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स ने, मतलब आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से आ रहे हैं, उन ऑब्स्टेकल्स की एंडिंग होगी। टावर भी आ गया है, क्यों आया है टावर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे जिसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, और उसके बाद बहुत अकेला फील करेंगे, इन्हें ऐसा लगेगा कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। एक्शन की एनर्जी है, अब लियो का फुल मून है तो डेफिनेटली एक्शन तो होगा ही। तो यहाँ पे सन की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की फैमिली लाइफ में, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स के साथ उनका किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी तरह का प्रॉब्लम, या कोई कुछ लोगों के लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सडनली आपके पर्सन की हेल्थ या उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, या शादी को लेकर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वहाँ पर कोई बवाल हो सकते हैं, किसी तरह का झगड़ा, ऑब्स्टेकल, हैवी एनर्जी है। हैरोफेंट क्यों आया है, हैरोफेंट को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने, मतलब कि शादी से रिलेटेड एक बोल्ड डिसीजन लेने की एनर्जी है, बिकॉज किंग ऑफ वांड्स के साथ आया है तो यहाँ लक आपका साथ देगा। होपफुल रहिए क्योंकि इसके बाद है माँ तारा की एनर्जी, यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, तो शादी से रिलेटेड ही कुछ डिसीजंस होने वाले हैं। द स्टार क्यों आया है एंजल्स, वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ कप्स, प्यार के लिए ही आपके पर्सन लड़ रहे हैं, प्यार के लिए ही एक्शन ले रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो प्यार की वजह से ही हैं। तो सपोर्ट कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपको और आपके पर्सन को इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट द एनर्जी इज़ हैवी, तो मैं आपको यही कहूँगी कि एनर्जी हैवी है, तो मेडिटेशन ज़रूर करें, पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर यूज़ करें, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कोई ऐसी बहस ना करें अपने पर्सन से जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, आपके पर्सन का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का अगला कदम क्या हो सकता है, फाइव कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है थर्ड आई चक्र, सेकेंड वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड वी हैव अगेन टावर। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली किसी तरह के बवाल करने वाली है और आपके पर्सन उस बवाल को ख़त्म भी कर देंगे। यस, ख़त्म भी करेंगे उस बवाल को। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए आने वाले दो दिन काफ़ी हैवी हो सकते हैं, टू डेज़ की एनर्जी है। सो आने वाले दो दिन, दो घंटे कुछ लोगों के लिए हैवी जाएंगे। आपके पर्सन की एनर्जी में ये दुखी हो सकते हैं, ये परेशान हो सकते हैं और परेशान होकर आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आपको कॉल मैसेज आ सकता है, आपसे बातचीत हो सकती है, ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली इनका जो ब्लॉक था थ्रोट चक्रा, काफ़ी हद तक हील हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने स्टैंड लेने की हिम्मत की है। क्या इनका विजन क्लियर हुआ है, क्या ये सही रास्ते पर हैं? यस, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, जब विजन क्लियर होगा तभी एक नई शुरुआत होगी, और ये जो प्रॉस्पेरिटी बिगिंस है ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। क्यों आया है टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है एम्परर, एम्प्रेस एंड जस्टिस ने, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी एंड होने वाले, बिकॉज दिस इज़ कार्मा, दिस इज़ कपल की एनर्जी, तो अगर ये कपल में है तो भी, अगर ये पेरेंट्स की एनर्जी है तो भी, यहाँ पर चॉइस लेंगे आपके पर्सन, किसी एक को चूज़ करेंगे। टावर क्यों आया है एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में,
हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एक्शन लेंगे. जब ब्लॉकेजेस हील होंगे तो पॉजिटिव एक्शन लेंगे. ओके, वी हैव पावर एनर्जी, तो या तो सिचुएशन बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, और या तो उस सिचुएशन से ही बाहर निकल जाएंगे. थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्या उदास हैं या रहेंगे आने वाले समय में आपके पर्सन? नहीं, इनकी जो विश है उसको पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ये उतने उदास नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा मन दुखी रहेगा. तो हो सकता है थोड़ा आइसोलेट रहने की कोशिश करें, या तो आपको सच्चाई खुद ही बता दें. क्या कम्युनिकेशन रिसीव होगा मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन की तरफ से? यस, 3-3 की एनर्जी है. 3 आवर्स 3 डेज के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों को बातचीत रिसीव होगी, कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपके पार्टनर्स की तरफ से. कुछ लोगों को 2 घंटे 2 दिन के अंदर, कुछ लोगों को 3 घंटे 3 दिन के अंदर कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं. देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स. पहला मैसेज है, परफेक्शनिस्ट, कीप योर स्टैंडर्ड हाई एंड ऑनरेबल, बट लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट. अपने स्टैंडर्ड को हाई ज़रूर रखिए, अपने काम को परफेक्ट ज़रूर रखिए, बट हर सिचुएशन में अपने आप को हमेशा परफेक्ट साबित करने के लिए परेशान मत रहिए. जस्ट डू एंड लेट गो. जो भी काम आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको टेंशन मत लीजिए कि ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ. डिवाइन प्लान, सब कुछ डिवाइन प्लान के तहत ही हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. जस्ट सरेंडर टू डिवाइन. एंड द लास्ट मैसेज इज़, लाइफ फोर्स एनर्जी, इट इज़ टाइम टू इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट रिजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल. ऐसे काम कीजिए, स्पेशली फुल मून के दिन आप ऐसे काम में अपने आप को व्यस्त कीजिए जिससे कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में आए, स्पेशली सोल पर्पस, जो भी आपका सोल पर्पस है. ठीक है, कुछ मैसेजेस मैं एंजल कार्ड से भी लूँगी, देखते हैं एंजल कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं. यू आर रेडी, पहला मैसेज है. आप में से काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं, रेडी हैं. लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए. बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें बदल नहीं सकती, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट ऐसा है नहीं. ट्रस्ट रखिए, अभी भी आपको सक्सेस मिल सकती है. मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन से आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे. सो ये थी आज की रीडिंग. होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें. थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.